दून पुलिस ने किया प्रेमनगर में हुई चोरी की घटना का खुलासा, जिसमें एक आरोपी किया गया गिरफ्तार। बताया जा रहा है नशे में बना था चोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। देहरादून के प्रेमनगर में 16 अगस्त को हुई चोरी की घटना का खुलासा देहरादून पुलिस ने कर दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके पास से पुलिस ने चोरी किए गए गहने भी बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख आकी गई है। वहीं इसी के साथ आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सरिता डोबाल ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है और नशे की लत से उसे चोर बना दिया। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी पहले भी डालनवाला और रायपुर क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है और जेल भी जा चुका है। देखिए पूरी रिपोर्ट हितेश शर्मा की UK 24x7 के लिए देहरादून से। एक थाना प्रेमनगर में ही एक नकबजनी की घटना हुई थी। 16 अगस्त की यह घटना थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात जो है प्रेमनगर की टीम द्वारा जो काम किया गया, और काम करने के पश्चात इसमें जो है एक एक्यूज की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से चोरी गए जो ज्वेलरी है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है, उसकी बरामदगी की गई है। इसके साथ ही पूर्व में भी एक चोरी में उसने अपनी संलिप्तता बताई है, जिसमें भी जो उसने चोरी किया था वो सामान बरामद किया गया है। ये जो एक्यूज है पौड़ी का रहने वाला है, और पूर्व में भी जो है डालनवाला के चोरी के मुकदमों में जेल गया है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई इसका आपराधिक इतिहास है तो उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। गाँव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज़, खबर वही जो है सच सही।